रूस पर हमले के बाद मानो दुनिया में लग गया कि यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो जाएगा और यूक्रेन का साथ दुनिया के कई शक्तिशाली देश छोड़ सकते हैं। लेकिन इस बीच अचानक सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है एक वीडियो, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन वो भी यूक्रेन की रोड पर बिना खौफ के घूम रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अचानक यूक्रेन पहुंचकर क्या संदेश देना चाहते हैं रूस को, और क्या यूक्रेन को मिल गया है एक बड़े देश का साथ? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, आप देख रहे हैं भारत तक, मैं हूं आयुष। दरअसल ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन एकाएक पहुंचे उस देश में जहां रूस लगातार हमले किए जा रहा है, यानी यूक्रेन में। अपनी इस औचक यात्रा के दौरान वो कीव की सड़कों पर यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ घूमते हुए दिखे। यूक्रेन की सरकार द्वारा शेयर किए गए 2 मिनट से अधिक लंबे वीडियो में दोनों नेताओं को स्नाइपर्स और दूसरे सुरक्षा कर्मियों के बीच सड़कों पर घूमते हुए देखा जा सकता है। कीव में मुख्य क्रैश चैटिंग सड़क से मैदान स्क्वायर जाते समय दोनों राहगीरों का अभिवादन करते हैं। अब जैसे ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को यूक्रेन के लोगों ने देखा तो वो भावुक हो गए। रास्ते में एक राहगीर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से पूछा और उन्हें शुक्रिया किया और कहा कि हमें आपकी जरूरत है। जॉनसन ने भी उनका जवाब दिया। ब्रिटिश पीएम बोले, आपसे मिलकर अच्छा लगा, हमें मदद करने का अवसर मिला, आपके पास एक अच्छे राष्ट्रपति जेलेंस्की है। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से किसी G7 नेता और शक्तिशाली देश के मुखिया की ये पहली आधिकारिक यात्रा है। ब्रिटिश पीएम जॉनसन ने कहा कि यूक्रेन ने रूसी सेना को कीव के द्वार से धक्का देकर सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति की दृढ़ नेतृत्व और अजेय वीरता और यूक्रेनी लोगों के साहस को रूस के मंसूबों को विफल करने के लिए श्रेय दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो 120 बख्तरबंद वाहनों और नई एंटी शिप मिसाइल सिस्टम देने का वादा भी कर रहे हैं। इस जंग के बीच ब्रिटेन का रूसी प्लेन को कब्जे में लेने के बाद तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया था। इस बात की जानकारी यूके यातायात मंत्री ने बकायदा प्रूफ के साथ दी। हालांकि ब्रिटेन ने पहले ही ऐलान किया था कि अगर रूस के प्लेन या फिर चार्टर विमान उसके एयरस्पेस में घूमते हुए दिखाई दिए जाएंगे तो इसे क्राइम माना जाएगा और प्लेन को कब्जे में ले लिया जाएगा। हैम्पशायर स्थित फॉर्नबरो एयरपोर्ट पर एक प्लेन पहले से जांच के अधीन था। जिस प्राइवेट प्लेन की जांच की जा रही थी उसका रजिस्ट्रेशन लक्समबर्ग का था, जबकि उसके मालिक रूसी नागरिक थे। वो रूसी नागरिक को लेकर ही यूके पहुंचा था। बता दें कि यूके ने रूस पर पहले ही कई पाबंदियां लगाई हुई है। खैर, यूक्रेन में अचानक ब्रिटिश पीएम बोरिस के पहुंचने से यूक्रेन के लोगों और वहां की सेना के अंदर एक नया जोश भर गया और रूस के लिए ये काफी बड़ा झटका है।